नाउ हाउ टू यूज़ द गुआशा स्टोन. गुआशा स्टोन यूज़ करने से पहले भी गुआशा स्टोन को अच्छे से वॉश करना है आफ्टर एवरी बिफोर एवरी यूज़. और इसे भी आपको अच्छे से मॉइस्चराइज स्किन पर अप्लाई करना है. ऑलवेज यूज़ अ सीरम और अ फेशियल ऑयल जिससे आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाए और फिर ये जो स्टोन है वो ईजिली स्किन पर ग्लाइड हो. सो ऑलवेज स्टार्ट विथ नेक एंड देन योर जॉ लाइन. आप वीडियो में देख सकते हो हर पार्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. जो स्ट्रेट पार्ट है वो नेक पर यूज़ किया जाता है ऑन दी स्ट्रेट एरिया ऑफ योर फेस. और ये जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड पार्ट है, वो आपकी जॉ लाइन के लिए होता है, आपके आईब्रोज के लिए होता है. इट हेल्प्स टू टोन योर स्किन और जो पफिनेस होती है फेस की वो भी रिड्यूस होता है. सो इफ़ यू आर यूजिंग जेड रोलर तो आप उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो या फिर ठंडे पानी से गुआशा स्टोन को भी वॉश कर सकते हो और जेड रोलर को भी वॉश कर सकते हो. यू कैन जस्ट डिप इन कोल्ड वाटर. एंड लास्टली जो कर्व्ड एरिया है वो आईब्रोज के लिए भी यूज़ होता है. दिस इज़ हाउ यू कैन लिफ्ट योर